गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉम्स के क्रिएटिव एंड किचन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लहसुन को हम फ्रिज के अंदर कैसे स्टोर करते हैं। तो मैंने ये दो कंटेनर में लहसुन लिया है, दो प्रकार से मैं आपको बताऊंगी कि फ्रिज के अंदर हमें लहसुन कैसे रखना चाहिए और वो लंबे समय तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कैसे वो मैं दिखाऊंगी और लहसुन की पेस्ट को हम किस तरह से फ्रिज में और फ्रीजर में रख सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए हमने पहले ये एक बाउल में लहसुन ले लिया है, ये मैंने थोड़ा सा नमक ले लिया है। तो एक पैट के अंदर हम इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से हिला देंगे और उसके बाद हम इस प्रकार के कांच के कंटेनर में हम इसे भर लेंगे। देख सकते हैं, इसे एयर टाइट कंटेनर में टाइट कर लेना है और फिर हमें इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। ये हम 20-25 दिन तक इजीली यूज कर सकते हैं, इसे कुछ भी नहीं होता है, देख सकते हो आप, ठीक है। और हो सके तब तक आप प्लास्टिक का कंटेनर यूज ना करें बिकॉज वो बहुत ही हार्मफुल होता है। अब मैं दिखाती हूँ दूसरे से, ये दूसरे कंटेनर में लिया है हमने और उसके अंदर हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, देखो उसे हमें हाथ में लगा लेना है और इसे अच्छे से रब कर लेना है उसके अंदर और उसके बाद इसे हमें एयरटाइट कंटेनर में भर के इसे भी फ्रिज में रख देना है। तो ये भी 25-30 दिन तक इजीली चल जाएगा, इसे कुछ भी नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी पेस्ट को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना कि हम लहसुन को कैसे प्रिजर्व करते हैं वो मैं दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमें उसे मिक्सचर के जार के अंदर ले लेना है, उसके अंदर हमें नमक डाल देना है, नमक थोड़ा सा ज़्यादा डालना है और उसे हमें ब्लेंड कर लेना है थोड़ा सा, इस तरह से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और उसे एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज के अंदर रख देना है। ये काफ़ी 2-3 महीने तक चल जाता है, इसे कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो अभी लेडीज़ लोगों को परेशानी होती है ना छीलने में और कूटने में, तो आप इस तरह से बना कर रख सकते हैं, क्योंकि लोग बाहर से लाते हैं तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी होता है। तो इससे अच्छा है कि हम इस तरह से घर पे बनाकर स्टोर कर ले, इसीलिए छील भी जाता है। मैंने बताई हुई ट्रिक से आप छीलोगे तो आसानी से छील जाएगा और इस तरह से आप स्टोर कर सकोगे। थैंक यू।